हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक. व्हाट अ फैंटास्टिक डे इट वॉज कि जो जो हमने कहा था अच्छा खासा वैसे मार्केट रिएक्ट किया. सबसे पहले चीज़ क्या कही थी कि 19240 से लेके 19260 को एक मेजर रेजिस्टेंस हम कहेंगे. मार्केट एक्चुअली अगर आप देखोगे मॉर्निंग में ही गैप अप हो गया, टच किया, उसके बाद जो सेलर्स नीचे खींच लिया मार्केट को, बाद में ऊपर जाने का नाम नहीं लिया. तो ये पहला चीज़ हो गया. सेकेंड, ये भी कहा गया था कि 1980 के बाद ही आप पुट के बारे में सोच सकते हो. और बहुत इंटरेस्टिंग है कि 1980 के लेवल से जो एक बढ़िया, मीन्स मैं डेफिनेटली मानूंगा कि 15 या 20 पॉइंट नीचे चला गया, बट जो बढ़िया गैप अप और ऊपर के तरफ आ गया, तो कल बहुत अच्छा चांसेस है कि मार्केट एक ऐसी तरीके से रिएक्ट करेगा कि आपको मज़ा आ जाएगा. ये क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आने वाले मैं अभी जो अगले 15 मिनट में आपको सभी कुछ एक्सप्लेन करूँगा, तो बहुत ध्यान दे के सुनना. आज दिन भर में हमने लगभग 5 एनालिसिस किए, 5-6 सही गए. और अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कौन से एनालिसिस किए थे, तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं. ये रहे वही 5 एनालिसिस. सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में ही 9:15 या 9:16 के आसपास निफ्टी का एक सी था, ओके. बाद में एक निफ्टी का पीई भी लिया था, ओके. अब नेक्स्ट क्या किया, तो आप देखोगे लगभग 9:35 के आसपास एक बैंक निफ्टी का सीई, ओके. बैंक निफ्टी का वापस लगभग 9:47 के आसपास एक बैंक निफ्टी का सी लिया था. एंड एट द सेम टाइम आप ये भी देखोगे ना, तो बहुत बढ़िया जो मैं कहूँगा 2:22 को सी चला, दैट वॉज वेरी वेरी फैंटास्टिक. अगेन 42,900 का सी. और लगभग आप देखोगे टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट के ऊपर 40 पॉइंट चला गया. तो टोटल अगर आज जो भी एनालिसिस हमने किया था फॉर एजुकेशन पर्पज, फॉर स्टूडेंट्स ग्रुप, जो भी था, ओके, आप देखोगे बैंक निफ्टी में लगभग 3 ट्रेड्स का एनालिसिस, और एक BTST का कल का ट्रेड, और निफ्टी का एक ट्रेड, ओके. अब ये सभी मिला के अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में 167 पॉइंट्स और निफ्टी में 46 पॉइंट्स. अब ये बहुत ही नामुमकिन होगा कि डॉट टू डॉट आप ये सब कर पाओ. डेफिनेटली ये गलत इंटरप्रिटेशन होगा. बट मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसका 50% यानी कि बैंक निफ्टी में 80 पॉइंट्स, निफ्टी में 20 पॉइंट्स, अगर ये भी सक्सेसफुली कैच कर सको, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी. और आप ये कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक दी है, वापस एक बार कहूँगा, ये एनालिसिस जो है ये हम पूरा का पूरा फ्री में व्हाट्सअप कम्युनिटी में भी डालते हैं. तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है उसे आपको क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना है, ताकि आपको भी पता चले कि ये एनालिसिस कैसे करते हैं, लॉजिक क्या है और ये सब कुछ. अपार्ट फ्रॉम दैट, और 3 स्टॉक्स का आज जो आपकी फरमाइश है, मैं एक टेक्निकल एनालिसिस करने वाला हूँ रिलायंस इंडस्ट्री का, क्योंकि मनोज जी ने कहा है, विनोद जी का एक्सिस, और जर्नो एम मिस्टर कोल का टाटा मोटर्स. अब ये आप चाहते हो कि आपका कोई स्टॉक्स है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, और इसको कैसे एनालिसिस करते हैं, तो कमेंट कीजिए. और अगर 2-3 बार आपका कमेंट हुआ है, हम आपका सुन नहीं रहे, तो डालिए कि आपने कितने बार कमेंट किया, ताकि नॉर्मली अगर आप 4 या 5 टाइम्स डालते हो ना, तो हम लोग की टीम ये कैच कर ही लेती है. अब ये एक चीज़ जान लीजिए, ये बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है जो मैं दे रहा हूँ. यहाँ पे मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ओके. अब आगे देखते हैं आज का जो निफ्टी का, मीन्स आज हम निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं. कल का थोड़ा सा समरी करेंगे यहाँ पे, कल क्या डिस्कस हुआ था. तो कल डिस्कस करने जैसे बहुत सिंपल चीज़ थे. एक तो देखो, अंधाधुंधी मार्केट ने यहाँ पे ही सेल ऑफ ऐसे ही नहीं दिया, इसका रीज़न था, और मैं हमेशा कहता हूँ आपको लेफ़्ट साइड में देखना है, ओके. और अगेन अगर आप देखोगे मार्केट ने ऐसे ही
अंधाधुंधी सपोर्ट भी नहीं लिया, इसका भी रीजन था। ये आज की ओपनिंग है, राइट? तो वापस मैं कहूंगा आपको सपोर्ट भी लेफ्ट साइड में देखना है। तो ये जो मार्केट का मोस्टली गेम रहता है ना, ऊपर या नीचे का, उसको आप पिछले सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। हालांकि इससे आप परफेक्ट एंट्री पॉइंट जो ट्रेडिंग के लिए स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम ये डिसाइड नहीं कर सकते, बट 60-70% व्यू बिल्डिंग इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है तो थोड़ा सा देखिए। अगर समझो ये मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। अगर आपने जस्ट फॉर एग्जाम्पल किस बहुत सारे लोग हैं जो कुछ तो आड़ा टेढ़ा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, और जैसे ही आपको ये ग्रीन कैंडल दिख गई, आपने अगर कॉल खरीदना चालू किया ना, तो ये बहुत गलत होगा। क्योंकि आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, ये वाला जोन ही सेलिंग का जोन है। ओके, तो यहाँ पे देखोगे आपका व्यू डेफिनेटली नीचे का होना चाहिए, क्योंकि एक मेजर सेलिंग ब्लॉक पे हिट हो गया है मार्केट। ओके, बट मेजर लॉस आपका कैसे होता है, जब मार्केट तो मार्केट है, मार्केट को पता है कि नीचे जाना है, बट आप क्या करते हो, ये इस पे समझो CE 43,200 का आपने बाय किया। अब यहाँ पे देखोगे ना, जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता है, ओके, जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता है, अब आप क्या करते हो, हर एक नीचे मार्केट के पोजीशन में एवरेजिंग करना चालू करते हो। और कब ये आपका 200 का CE 100 हो गया, और कब आपके दो लॉट्स बैंक निफ्टी के 20 लॉट्स हो गए, आपको समझ में ही नहीं आया ये रीज़न क्यों है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट व्यू का है। आपको ऐसे बार बार लग रहा था कि मार्केट ऊपर उठेगा, मार्केट ऊपर उठेगा, मार्केट ऊपर उठेगा, और एक शातिर खिलाड़ी के बजाय एक होप यानी कि आशावादी आदमी की तरह अगर आप ऐसे मार्केट में ट्रेड करोगे तो मोर और लेस आपको बढ़िया लॉस होगा। तो ये कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखना कि कहाँ पे सेल ऑफ आ रहा है, कहाँ पे सपोर्ट है। अब यही चीज़ को अगर आप देखोगे, ये पॉइंट पे आके अगर मार्केट डबल बॉटम क्रिएट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि यस, अब थोड़ा सा चांसेस है कि मार्केट वापस उठ के वापस एक बार तो भी अटेम्प्ट कर सकता है ये ब्लॉक जो 43,200 का है उसको ब्रेक करने के लिए। और अगर इस बार सक्सेसफुल नहीं हुआ तो एक अच्छा खासा नीचे गिर सकता है। तो आप मेन साइकोलॉजिकली देखिए, ये जो पॉइंट है ये आपका पी का पॉइंट है। 90% लोग यहाँ पे सी खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट ब्रेकआउट के चक्कर पे। और ये जो पॉइंट है ये आपका लॉन्ग जाने का यानी कि कॉल लेने का पॉइंट है। 90% लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो पुट खरीदेंगे अंडर द एक्सपेक्टेशन कि मार्केट और नीचे जाएगा। तो ये जब भी आप थोड़ा सा उल्टा मार्केट में सोचने का ट्राई करोगे ना, तब भी ही आपके ट्रेड्स फंटास्टिक बैठेंगे। तब तो आइए देखते हैं क्या आज का निफ्टी का एनालिसिस पहले करूंगा, बैंक निफ्टी का करूंगा, बाद में तीन और एनालिसिस करूंगा। तब तक आपके अगर स्टॉक्स अटक गए हैं, आपको चाहिए कि मैं कुछ टेक्निकली उस पर ध्यान दूँ, कमेंट फटाफट करना चालू करना। ओके, और आप बहुत कम कमेंट बहुत कम लाइक करते हो, इसके लिए होता क्या है, तो ये वीडियोस बहुत सारे लोगों के पास नहीं पहुंचता है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, लाइक करना अगर अभी तक जो कुछ भी मैं समझा रहा हूँ सुबह से, जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं पसंद आ रहा है, और कमेंट करके बताना कि आपको क्या मेरे से और सीखना है या कौन से स्टॉक्स आपके अटक गए हैं। अब ये कल का ही एनालिसिस है, आप देखोगे ये मेजर ब्लॉक है 19,250 का। निफ्टी का चार्ट था, बैंक निफ्टी का चार्ट पहले था, अब मैं निफ्टी का चार्ट ले रहा हूँ। अब यहाँ से जो बढ़िया सेलिंग प्रेशर आया, मज़ा आया रहेगा आपको पुट लेने में। ओके, अब नेक्स्ट आप अगर देखोगे ना, ये जो एक तो हमने कल सक्सेसफुली आइडेंटिफाई किया था, जिसके कारण मॉर्निंग में भले गैप अप हो गया बट हमारा व्यू बेरिश था। ये एक पावरफुल सेल ऑफ जोन है।
अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, एक पावरफुल बाइंग जोन। ओके, तो एक पावरफुल बाइंग जोन हमें कहाँ पे दिख रहा था, तो आप खुद देख सकते हो 19080 के आसपास मैंने कहा था। ओके, थोड़ा सा 10-15 पॉइंट ऊपर चला गया। अब यहाँ से क्या हो गया, थोड़ा सा आगे की स्टोरी भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मार्केट ने अटेम्प्ट तो किया वापस नीचे जाने का, एंड दिस वॉज रियली अ फैंटास्टिक अटेम्प्ट, बट वापस क्या हो गया, बायर्स तगड़े निकल गए, वापस ऊपर चला गया। ओके, अब थोड़ा सा जो मैं समझा रहा हूँ कल के लिए, स्ट्रेट अवे मैं पॉइंट पे आऊँगा, थोड़ा सा जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान लगा के देखना और वैसे ही ट्राई करना ट्रेड करने के लिए। 19 ये जो लेवल्स है ना, सेटिंग्स बिलो 19046, यहाँ पे मैं लिख के भी दे रहा हूँ 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग। ओके, अब कल अगर मॉर्निंग को ही 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग कुछ इस तरीके से 19046 के नीचे हो गई, ओके, लगभग 19046, तब आप हैरान हो जाओगे, आप 18950 तक जा सकते हो। वापस एक बार समझाऊंगा, इसके बाद समरी भी करूंगा, केस वन। ओके, 19046 15 मिनट्स में कुछ ऐसी रेड कैंडल, आप 18950 जो एक बढ़िया सा नीचे का टारगेट होगा तब तक ट्रेड कर सकते हो। तो ये पहला केस हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या हो गया, आइए देखते हैं। ओके, सेकंड ये हो गया कि समझो मॉर्निंग में ही गैप अप हो गया। ओके, और किसके ऊपर गैप अप हो गया, 19180 के आसपास कुछ ऐसी कैंडल हो गई। ओके, तो आप क्या करोगे, वापस 19250 के आसपास ट्रेड करोगे। अब ये छोटा सा पुल बैक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देखोगे सेलिंग है। ओके, बट 19180 के आसपास ग्रीन कैंडल बनने का ही मतलब है कि मार्केट ने ये जो सेलिंग प्रेशर था इसको घोल के पी दिया और अब मार्केट वापस बुलिश बनने के लिए रेडी है। तो इसका इंडिकेशन क्या है, 19180 या 19170 के पास ऐसी कुछ ग्रीन कैंडल बनना। ओके, फिर आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा चाहिए तो वेट करोगे कंसोलिडेशन का और 19250 तक आप ट्रेड करोगे। तो इसके बीच में अगर आप कुछ करने जाओगे ना तो बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस और बहुत कम पॉइंट्स है 40-50 के, तो होगा क्या कि आप अटक जाओगे। फिर भी अगर मार्केट ये दोनों के बीच में ओपन हो गया, यानी कि 19180 से लेके 19170 से लेके 19080 के आसपास अगर ओपन हो गया, तो इसका एनालिसिस कल मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में करके दूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ज्वाइन करना है। अब केस बाय केस देखेंगे, समरी कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना। और कोई तो भी एक केस तो होने ही वाला है, बट वो केस होने के बाद क्या करना है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। केस वन, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग बिलो 19046, आपको क्या करेगा, 18950 लेके जाएगा। तो ये पहला केस हो गया। सेकंड केस, 19170 से लेके 19180 गैप अप ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, आपको कहाँ पे लेके जाएगा, 19250 के आसपास, और इसके ऊपर भी लेके जा सकता है, बट पहला हमारा वही टारगेट रहेगा। ओके, और केस, ये केस टू हो गया। केस थ्री क्या है हमारा, अगर मार्केट 19170 से लेके 19080 के बीच में, यानी कि ये अभी भी मार्केट चाहता है कि मैं कंसोलिडेट करूं, तो ट्रेडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप कम्युनिटी में देखना है कि कुछ हम ट्रेड का एनालिसिस कर पा रहे हैं कि नहीं। बाकी के दो ट्रेड्स आप खुद आराम से ट्राई कर सकते हो लेने का। अब
बीएनएफ में वही चीज़ देखेंगे कि कुछ बात बन रही है कि नहीं बन रही है। ये बीएनएफ का 15 मिनट्स का चार्ट है। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा वापस एक बार ट्राई करेंगे, ये मैं निकाल देता हूँ। ओके, अब बीएनएफ में आप देखोगे ना, तो बेसिकली बेसिकली अगर आप देखोगे बीएनएफ में क्या हो गया है, ये पहला हाई बनाया, ये सेकंड हाई बनाया, ये पहला लो बनाया, ये अब जो भी होगा सेकंड लो। तो बीएनएफ में बुलिशनेस कब आएगा, तो नो डाउट 43,100 के बाद ही आपको एक अच्छा बुलिशनेस आएगा। कहाँ तक लेके जाएगा, 43,250 तक, यानी कि 150 पॉइंट्स आपके बन जाएंगे। तो ये हमारा केस वन बन गया, 43,100 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। ऑफकोर्स ये इंट्राडे में होगी, ये मॉर्निंग को ही नहीं होगी, तो आप अगला 150 पॉइंट ले सकते हो। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ जानना, सेकंड केस जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर मार्केट समझो मॉर्निंग को ही 42,870 के ऊपर ग्रीन कैंडल बनाता है, ओके, 42,870 ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स में बनाता है, 42,870 ग्रीन कैंडल मॉर्निंग में ही बनाता है, आप क्या करोगे, 43 तक ट्रेड करने की 130 पॉइंट यानी कि 60 पॉइंट्स ट्रेड करने की कोशिश करोगे। और इसके नीचे अगर समझो 42,870 के नीचे वापस रेड कैंडल बनाती है, ये अगर हमारा केस थ्री हो गया, ओके, ये वाला पॉइंट 42,800, ओके, 42,800 के नीचे अगर रेड कैंडल बनती है, तो आपका पहला टारगेट क्या होगा, स्ट्रेट अवे 42,650 का। तो बैंक निफ्टी में वापस हमें तीन केस मिल गए, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं समराइज करता हूँ बैंक निफ्टी का, दिन भर में नहीं होगा बट इंट्राडे में अगर 43,100 के ऊपर चला गया तो 43,250 से लेके 240 आने के चांसेस है, ध्यान देना। तो ये हमारा केस वन बन गया। ओके, अगर 42,870 मॉर्निंग में ही इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बन रही है, तो आपका पहला टारगेट होगा 43,100, सेकंड टारगेट यहाँ पे नहीं बताऊँगा। और अगर 42,800 के नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग हो रही है, तो स्ट्रेट अवे आपको 42,650 यानी कि 150 पॉइंट नीचे मिल सकते हैं। वापस मैंने देखो बैंक निफ्टी के भी तीन केसेस बता दिए। अगर आपको चाहिए, आपको समझ में आना है, आप निफ्टी के तीन केस विद नंबर्स, बैंक निफ्टी के तीन केसेस विद नंबर अगर नीचे लिखोगे, तो कल कैसे है कि कल तुमको भी एनालिसिस करने को पता चलेगा कि यस, आपने ये केस बताया था, देखो ऐसे चला, मैंने निफ्टी नहीं तो बैंक निफ्टी किया। बट ये एक सीखने का बहुत आसान तरीका है। अब यहाँ से क्या होगा कि आपका जस्ट एक व्यू बिल्डिंग बनेगा, एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे एनालिसिस करना है, ये आपको 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स के चार्ट में ही, वो भी कॉल या पुट के ही पता चलेगा। इसमें आपका 60-70% काम हो गया, बट एग्जैक्ट इंट्राडे कौन सा लेना है ये आपको नहीं समझेगा। उसके लिए आइदर आप व्हाट्सअप कम्युनिटी दे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप और डिटेल में सीख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आज मुझे क्या करना है, तो और कुछ एनालिसिस करना है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, तो आइए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ करते हैं एनालिसिस। ये रहा रिलायंस, तो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देखूंगा, डेली चार्ट देखूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। एक है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, हो क्या रहा है कि मैं कहूँगा छलावा दे रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है, बार बार नीचे आ रहा है। तो एटलीस्ट, और आप मीन्स ये बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद ये पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। हमेशा क्या कर रहा है कि रिलायंस लोअर हाइस क्रिएट कर रहा है, 2400 के ऊपर ही आप देखोगे तो एक गेम चेंजिंग मूव आ सकती है। तो 2400 का इंतज़ार करना, बाकी तो क्या वीकनेस ही दिखाई दे रहा है रिलायंस में। सपोर्ट 2200 का तगड़ा लग रहा है। ओके, तो
बस यही चीज़ है, मेन जो बुलिशनेस आएगा वो 2400 के बाद ही आएगा। एक्सिस बैंक देखेंगे थोड़ा सा, कि एक्सिस बैंक एक्चुअली बहुत अच्छा चल रहा था, 1000 के ऊपर चला गया था, कुछ समय के लिए पुल बैक आ गया। ये देखोगे ना, इसको कुछ नहीं, हम ये अप ट्रेंड ही है। ओके, अब जैसे जैसे मैं कहूँगा कि ये पॉइंट मीन्स 1047 तो डेफिनेटली बढ़िया है, बट 1020 के बाद भी आप एक्सिस में बुलिश हो सकते हो, 1020 टू 1025। बट अगर आप मुझे कहोगे कि आप एक्सिस में ट्रेड करोगे क्या, तो मैं डेफिनेटली नहीं करूँगा। रीज़न इज़ वेरी वेरी सिंपल, मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स चाहिए जहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूँ ना, तो मुझे एटलीस्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाए। बट जब मैं एक्सिस देखता हूँ ना, ये देखोगे ना, पहली रैली इतनी चली, सेकंड रैली कुछ चली ही नहीं। अब आप मुझे कहोगे मैं यहाँ पे एंट्री करूँ क्या, तो सिर्फ 50 पॉइंट्स के लिए कुछ मतलब नहीं है, वापस यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन आएगा, वापस नीचे जाने का अटेम्प्ट करेगा, और अगर यहाँ से बाउंस बैक हो गया ना, तो फिर मुझे ये अच्छे 100 पॉइंट्स का मुंह देगा इधर तक। तो फिलहाल के लिए यस, एक्सिस बैंक अच्छा ही है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको नहीं अच्छा कहूँगा, क्योंकि वो जो चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। टाटा मोटर्स, चलो टाटा मोटर्स देखते हैं। यस, कंसोलिडेशन में है, आप देखोगे ये रैली पिकअप करने गया था, नहीं हुआ था। अब आपको अगर इसको ट्रेड करना भी है ना, तो मैं कहूँगा 550 से लेके 600 के जोन में इसको आप बाय करोगे ना, जब ये ऊपर जाएगा, तो एटलीस्ट आपको 650 का तो मूव मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एटलीस्ट बाय करने की कोशिश करना। अब भी इसको नीचे आना है, क्योंकि जो स्ट्रांग सपोर्ट्स है ये जोन में है। फिर जब आप ऊपर का ट्रेड करोगे ना, भले ऊपर ब्रेकआउट हुआ नहीं हुआ, बट 8-10 पॉइंट आपको परसेंट प्रॉफिट आपको हो जाएगा। ओवरऑल मैं क्या कहूँ, बुलिश ही है। और होप आपको आज के तीनों एनालिसिस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, समरी, सभी कुछ पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को वापस एक बार कहता हूँ हिट करना, और अब तक अगर आपको मज़ा आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट, कल फिर मिलेंगे और कुछ एक्साइटिंग चीज़ों के साथ।